हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपके सामने पेश है एक खूबसूरत अंदाज के अंदर एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन का चैप्टर, जिसके अंदर हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अलॉन्ग विद सॉल्यूशन को पेश किया है। चैप्टर हमने पेश किया इन डिफरेंट स्टाइल, आपके चेहरे पे आएगी स्माइल। इसी उम्मीद से मैं इस वीडियो को बना के आपके सामने आया हूँ। इस चैप्टर को करने के 3 गोल्डन रूल्स हैं जो हमने एपिसोड नंबर 1 एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन में एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप उसे डिटेल में एक बार देख लीजिएगा, अगर आपने देखे हुए हैं तो आप कनेक्ट हो पाएंगे। इन शॉर्ट मैं वो तीनों रूल्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गोल्डन रूल थे हमारे, गोल्डन रूल नंबर 1, सबसे पहले सही को सही करना है। ये गोल्डन रूल का मतलब है डेबिट को डेबिट करना है, क्रेडिट को क्रेडिट करना है। यानी जो चीज़ डेबिट होनी थी डेबिट करिएगा, क्रेडिट होनी थी क्रेडिट करिएगा। गोल्डन रूल नंबर 2, गलत को सही करना है, डेबिट को क्रेडिट करना है, क्रेडिट को डेबिट करना है। जो गलती से चीज़ आपसे होगी थी डेबिट, अब आप करिएगा उसे क्रेडिट, और अगर गलती से कोई चीज़ होगी है क्रेडिट, ठीक करने के लिए करिए डेबिट। आखिरी गोल्डन रूल था हमारा कि जो चीज़ बिल्कुल सही है, जो ट्रांजेक्शन में बिल्कुल सही है, उसे आपने कर देनी है नमस्ते, कारण वो ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही है। डिटेल में देखने के लिए प्लीज़ आप एपिसोड नंबर 1 देखिएगा, ताकि आप डिटेल वर्जन अंडरस्टैंड कर पाएं। चलिए पेश है आपके सामने एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन इन खूबसूरत स्टाइल, आएगी चेहरे पे आपके स्माइल। आइए देखते रहिए। इस चैप्टर को समझने के लिए 3 बेसिक प्रिंसिपल पर ध्यान रखिएगा। पहला आपने ध्यान रखना है कि सही और गलत स्टेटमेंट की पहचान करनी है। अब कैसे पहचान करेंगे? जनरली जो स्टेटमेंट पहले आएगी वो सही होती है, जनरली, नॉट ऑलवेज बट मैक्सिमम ऑफ टाइम जो होती है वो क्या होती है, सही ट्रांजेक्शन होती है। और जो बाद में दी जाती है स्टेटमेंट वो जनरली गलत होती है। चलिए पहले स्टेटमेंट को अलग अलग करना सीखते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर स्टेटमेंट आई है जिसका नाम है रिपेयर टू प्लांट 900 हैड बीन डेप्टेड टू प्लांट अकाउंट। अभी स्टेटमेंट में हमने 2 अलग अलग कलर डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, जिसके अंदर पहला कलर जो है येलो वो सही को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो व्हाइट है वो गलत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। फर्स्ट पॉइंट, सही और गलत की पहचान कर ली, जो कि हमने की, उम्मीद है आपने फॉलो कर लिया होगा। अब मैं गलत को थोड़ा अलग कर रहा हूं, ये देखिए मैंने अलग कर दिया। अब यहां से आगे जो सामने स्टेटमेंट ऊपर आपको नजर आ रही है वो सही स्टेटमेंट है। चलिए अब इसकी एंट्री बनाते हैं। एंट्री बनाने के लिए एक काम करते हैं, हम क्यों ना हम एक काम करें, जो गलत स्टेटमेंट उसको अलग कर दें, गायब कर दें स्क्रीन से। ये देखो होगी गायब, होगी ना। अब स्क्रीन पर आपको क्या नजर आ रहा है, रिपेयर टू प्लांट। अब रिपेयर टू प्लांट जो है वो सही स्टेटमेंट है। क्या रूल सीखा था हमने, सही को सही करना है, यानी जिसने डेबिट होना था उसको आपने डेबिट करना है। तो रिपेयर क्या होगा, डेबिट, कारण आप जानते हैं एक्सपेंस है। देखिए हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, गलत को ठीक करेंगे। चलो पहले गलत को स्क्रीन पर लेके आते हैं। देखिए गलत स्क्रीन पर आ गया वापस, आ गया कि नहीं आ गया, है ना कमाल की टेक्नोलॉजी, आ गया वापस। अब हम यहां से क्या करेंगे, सही स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए आपकी स्क्रीन से अलग करते हैं। देखो अलग होगी। अब सामने क्या नजर आ रहा है आपको, गलत स्टेटमेंट। क्या लिखा नजर आ रहा है, डेप्टेड टू प्लांट। क्या रूल सीखा था हमने, गलत को सही करने, कैसे, जो चीज गलती से आपसे डेबिट हो गई थी कैसे ठीक करोगे, क्रेडिट करके। देखो हमने किया, आ गया आंसर। तो क्या एंट्री बन गई आपकी, रिपेयर टू प्लांट। चलिए स्क्रीन पे अब पूरी स्टेटमेंट है। तो जो फर्स्ट पार्ट था वो सही था, रिपेयर ने डेबिट होना था हमने किया, ठीक। अब गलत क्या था, प्लांट, जो गलत था उसको हमने सही कर दिया, यानी डेबिट का उलट क्या कर दिया, क्रेडिट। उम्मीद है आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। चलिए इस बात को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए अगली स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। चले चलोगे मेरे साथ, आइए। एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन के अंदर अगली एरर जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है वो है प्लांट सोल्ड फॉर ₹1000 हैड बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। फिर से हम वही खेल खेलेंगे, सही और गलत की पहचान। जो फर्स्ट पार्ट है वो सही है, जो सेकंड पार्ट है वो गलत है। अब जो सही पार्ट है उसको हमने येलो कलर दिया हुआ है, गलत पार्ट को हमने व्हाइट कलर दिया हुआ है। थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करते हैं, गलत पार्ट को थोड़ा सा डिस्टेंस देते हैं। देखिए हमने दे दिया। अब डिस्टेंस देने के बाद क्या करेंगे, हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनाने के लिए हमारी टेक्निक वही रहेगी जो पहले रही है। एक काम करते हैं, गलत हिस्से को थोड़ी देर के लिए गैप करते हैं। देखिए किया, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हर बार करेंगे। अब स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, प्लांट सोल्ड। अगर आप प्लांट को बेचते हैं, ये सही स्टेटमेंट है, सही को सही करना है,
क्या रूल सीखा था हमने, अगर किसी ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करना था तो क्या करेंगे आप, क्रेडिट, प्लांट सोल्ड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कर दीजिए, लीजिए, हमने प्लांट को क्या कर दिया, क्रेडिट। समझ आ गया, सही को सही करना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन जिसने होना था क्रेडिट करना था। अब किसे ठीक करना है, गलती को, गलती को वापस बुलाते हैं, लीजिए गलती आ गई वापस। अब गलती आ गई, जो स्टेटमेंट सही थी उसको जाने देते हैं, देखिए चली गई। अब हम यहां पे क्या करेंगे, गलत स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे, यू नो क्रेडिटेड टू सेल्स, क्या रूल सीखा था हमने, गलत को सही करना है, कैसे करना था, जो चीज क्रेडिट हुई थी डेबिट करिएगा, लीजिए हमने कर दिया, तो एंट्री क्या बन गई आपकी, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। ठीक है, अब स्क्रीन पे पूरी स्टेटमेंट आपकी है, यहां पे प्लांट सोल्ड फॉर रुपीज 1000, ये सही स्टेटमेंट थी, प्लांट सोल्ड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने क्रेडिट किया, और जो गलत था क्रेडिट टू सेल्स, उसे हमने क्रेडिट करके डेबिट किया। उम्मीद है आपको यह भी ट्रांजेक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए एक काम करते हैं, एक और स्टेटमेंट की ओर चलते हैं, जितना जितना हम इसको सुनते जाएंगे समझते जाएंगे उतना बढ़िया आपके दिमाग में ये चीजें आती रहेंगी और जहन में अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। याद रखिए, इस चैप्टर को करने की एक ही टेक्निक है, सही गलत की पहचान, जैसे हुई सही गलत की पहचान, एंट्री करना हुआ आसान। ठीक है, चलिए अब फिर से हम स्टेटमेंट को समझते हैं, एक और स्टेटमेंट आपके सामने है, देखिए क्या लिखा, 2500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज, चार्ज टू परचेज अकाउंट, फिर से वही टेक्निक है, जनरली पहली स्टेटमेंट करेक्ट होती है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती है, इनको अलग अलग करते हैं, अलग हमने कर दिया। अब एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, एंट्री बनाने से पहले क्यों ना एक काम करें, गलत स्टेटमेंट को स्क्रीन से गायब करें, लीजिए किया हमने, सामने क्या नजर आ रहा है, 2500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस्ड, ये सही है, क्या है, सही है, सही को सही करना है। अब फर्नीचर जब आप परचेज करते हैं तो आप उसे हमेशा डेबिट करते हैं, व्हाट कम्स इन, डेबिट, यही करेक्शन करनी है, सही को सही मतलब डेबिट को डेबिट, देखिए किया है ना, कितना आसान। चलिए अब एक काम करते हैं, हम गलत स्टेटमेंट को वापस लेके आते हैं, गलत स्टेटमेंट वापस आ गई, अब गलत स्टेटमेंट को हमने क्या करना है, करेक्ट करना है, कैसे करेंगे, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से मैं सही हिस्से को गैप करता हूं, लीजिए ये भी हो गया, अब सामने क्या रह गया, चार्ज टू परचेज अकाउंट, ये गलत है, परचेज हमने गलती से कर दिया, गलत। अब परचेज क्या होती है, हमेशा डेबिट, बट ये गलत है, क्या रूल सीखा था, गलत को ठीक करना है, गलत को कैसे ठीक करेंगे, जो डेबिट हो गया था उसे कैसे ठीक करोगे, क्रेडिट करके, लीजिए कर दिया, आ गया समझ। चलिए स्क्रीन पे पूरी स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट थी, क्या था, फर्नीचर परचेज डेबिट व्हाट कम्स इन किया, दूसरा क्या था, चार्ज टू परचेज, ये गलत था, डेबिट था तो हमने ठीक करने के लिए क्या किया, क्रेडिट, हर बार यही करते रहे। चलिए आपके सामने एक और स्टेटमेंट लेके आते हैं, जो स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, 500 रिसीट फ्रॉम महेशा क्रेडिट टू राजा, अगेन हमने वही टेक्निक फॉलो करनी है, सही और गलत की पहचान, फर्स्ट पार्ट जनरली सही होता है उसको अलग करिए, गलत पार्ट को अलग करिए, मैंने कलर डिफरेंशिएशन दिया हुआ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर डिफरेंशिएशन देने के बाद हमें पता लग गया सही पोर्शन कौन सा है, गलत पोर्शन कौन सा है, थोड़ी देर के लिए मैं गलत हिस्से को अलग करता हूं। ठीक है जी, मैंने गलत हिस्से को अलग कर दिया। अब एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, मैं गलत हिस्से को पल भर के लिए आपसे अलग करता हूं, लीजिए मैंने अलग कर दिया, अब सामने क्या रह गया हमारे, 500 रिसीट फ्रॉम महेश, महेश इसमें गिवर है जो कि सही है, गिवर का रूल क्या सीखा हुआ हमने, क्रेडिट, और मेरा रूल क्या था, सही को सही करना है, क्रेडिट को क्रेडिट करना है, देखिए हमने महेश को क्या किया, क्रेडिट। समझ आ गया, सही को सही करना है, क्रेडिट को क्रेडिट करना है, महेश ने क्रेडिट होना था, मैं इसको क्रेडिट कर दिया। अब गलत चीज स्क्रीन पे वापस आएगी आपके सामने, क्रेडिटेड टू राजा, इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए स्क्रीन पर मैं थोड़ी देर के लिए राइट ट्रांजेक्शन को अलग कर रहा हूं, कर दिया, अब सामने क्या रह गया, क्रेडिटेड टू राजा, अब ये गलत है, कैसे ठीक करना था गलत को, क्रेडिट अगर कोई चीज गलत आपसे हो गई तो क्या करना था, डेबिट, देखिए हमने राजा को क्या किया, डेबिट। उम्मीद है ये ट्रांजेक्शन आपको समझ आ गई होगी, स्क्रीन पे पूरी स्टेटमेंट। अब आपके 500 आपने महेश से रिसीव किया, महेश गिवर था, क्रेडिट होना था, किया,
गलत किसको किया? राजा को। क्रेडिट ठीक कैसे करोगे? रिवर्स डेबिट। समझ आ गया होगा ये भी। और एक ट्रांजैक्शन लेके आते हैं, जितना आप सीखते जाएंगे उतना बेहतर आप बनते जाएंगे। चलिए आरएस के अंदर एक और स्टेटमेंट आपके सामने आ गई है, 500 पेड फॉर द परचेज ऑफ रेडियो सेट फॉर द प्रोपराइटर डेप्टेड टू जनरल एक्सपेंस। वही सही गलत की टेक्निक, पहला पोर्शन सही है दूसरा पोर्शन गलत है, मैंने दोनों को अलग अलग किया आपके सामने है। अब इसके बाद क्या करेंगे, गलत को थोड़ा डिफरेंस देते हैं, देखिए हमने थोड़ा अलग किया। अब एंट्री बनाने की हम कोशिश करेंगे, तो एंट्री बनाने के लिए क्यों ना एक काम करें, टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, आप मेरे साथ हैं, हम इस ट्रांजेक्शन को गायब कर देते हैं। कर दिया, अब क्या रह गया स्क्रीन पे आपके सामने, परचेज रेडियो आपने प्रोपराइटर के लिया, प्रोपराइटर का मतलब ओनर, ओनर का मतलब पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का मतलब अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से निकालता है तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से इज अ रिसीवर। क्या नाम देते हैं आप उसे? ड्रॉइंग्स। तो यहां पे ड्रॉइंग सही शब्द था, तो डेबिट होती है ड्रॉइंग, डेबिट ही करना था, सही को सही करना था, डेबिट को डेबिट करना था। देखिए हमने किया, उम्मीद है आपने समझ लिया। अब गलत स्टेटमेंट को स्क्रीन पे लेके आते हैं, डेप्टेड टू जनरल एक्सपेंस। अब जो डेप्टेड टू जनरल एक्सपेंस है, अब हम उसे क्या करेंगे, डेबिट जो कि गलत है ठीक कैसे करोगे, रिवर्स क्रेडिट करके। लीजिए हमने किया, तो हमने क्या किया, जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट किया। अब स्क्रीन पे पूरी स्टेटमेंट आपके सामने है, तो सही शब्द ड्राइंग था, डेबिट होना था किया, गलत शब्द डेबिट था, जनरल एक्सपेंस क्रेडिट किया, वैल्यू थी 500। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। कितनी आसान टेक्निक है, अगर आपने सीखनी है टेक्निक आसान एरर्स वगैरह की, तो मत होइएगा परेशान, देखते रहिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे और उसे शेयर करते रहिएगा। चलिए इसी उम्मीद पे एक और ट्रांजैक्शन आपके सामने पेश करता हूँ एक खूबसूरत अंदाज में। लीजिए आपके सामने ट्रांजैक्शन आ चुकी है जिसका नाम है 1300 अमाउंट ऑफ द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी हैड बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। फिर से वही काम, पहला पार्ट सही होता है दूसरा पार्ट गलत होता है, गलत को अलग करिए, देखिए हमने अलग किया। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, एंट्री। जब हम एंट्री बनाएंगे थोड़ी देर के लिए मैं गलत चीज स्क्रीन से निकाल दूंगा, देखिए मैंने निकाल दिया है जी। अब इसके बाद स्क्रीन पे क्या रह गया, 1300 अमाउंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड मशीन। देखिए जब आप मशीन बेचते हैं तो वो क्रेडिट होती है, रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सही को सही करना है, क्रेडिट को क्रेडिट करना है। देखिए हमने किया, मशीन को क्रेडिट किया है जी, हो गया ये पॉइंट क्लियर। अब आते हैं रिवर्स, हम गलत चीज को सामने लेके आते हैं, हैड बीन पोस्टेड टू सेल अकाउंट। इस चीज को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं सही चीज को थोड़ी देर के लिए अलग करता हूं, मैंने अलग कर दिया, हैड बीन पोस्टेड टू सेल अकाउंट। सेल हमेशा क्या किया आपने, क्रेडिट, बट ये गलत है, क्या है गलत। अब इस गलत को ठीक कैसे करोगे, क्रेडिट का उलट डेबिट करके रिवर्स करना है। एक चीज याद रखिएगा, गलती को हमेशा रिवर्स करना है। देखिए सामने स्क्रीन पे क्रेडिट का उलट हमने क्या किया, डेबिट किया। उम्मीद है यह भी आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीन पे आप पूरी स्टेटमेंट आ चुकी है। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें, मशीन जा रही थी क्रेडिट होना था हमने किया, सेल गलती से क्रेडिट हुई ठीक करना था हमने डेबिट किया। चलिए अगली स्टेटमेंट को समझने से पहले रूल्स को एक बार दिमाग में और सेट करते हैं। पहले आपका स्टेप वन, सही और गलत की पहचान करना, होगी होगी। जैसी आपने की सही गलत की पहचान, आपकी परेशानी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अब उसके बाद स्टेटमेंट आएगी सामने, देखिए स्टेटमेंट आपके सामने है, 250 कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ द रूम हैज बीन डेप्टेड टू बिल्डिंग अकाउंट। पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट गलत है, वही डिफरेंशिएशन, गलत को दूर कर दो, कर दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, तो जैसे ही हम एंट्री बनानी स्टार्ट करेंगे तो मैं गलत हिस्से को गैप कर दूंगा, देखिए मैंने किया। अब 250 कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग है, रिपेयर क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, ये सही स्टेटमेंट है। तो रूल क्या था, डेबिट को डेबिट करना है, हमने कर दिया, तो हमने किसको डेबिट किया, रिपेयर को। कितना आसान है, अब रिपेयर तो डेबिट होगी, अब ठीक क्या करेंगे हम, जो गलत था गलत को बुलाते हैं पहले, पता लगाते हैं क्या हुआ, डेप्टेड टू बिल्डिंग, गलत शब्द डेबिट है, तो गलत को ठीक कैसे करेंगे, क्रेडिट करके। तो बिल्डिंग का उलट क्या हो जाएगा, डेबिट का उलट क्रेडिट, तो हमने बिल्डिंग को क्या किया, क्रेडिट किया। क्लियर, चलिए अब पूरी स्टेटमेंट स्क्रीन पे आपके सामने है, कॉस्ट और रिपेयर जो फर्स्ट था सही था, डेबिट करना था किया, बिल्डिंग क्योंकि गलत थी डेबिट हुई थी गलती, तो ठीक कैसे करेंगे, क्रेडिट, यही हमारा रूल है, बड़ा आसान है।
चलिए एक स्टेटमेंट आपके सामने और आ चुकी है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। परचेज अ गुड्स 500 फ्रॉम राम हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। ये एंट्री बड़ी कमाल की एंट्री है, ठीक है। पहले तो आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, सही और गलत को अलग करना है। मैंने कलर डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है, आप कई बार आपको कहा है कि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सही होता है, सेकंड पार्ट गलत होता है। तो कलर डिफ्रेंसिएशन से मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं गलत को थोड़ा दूर ले जाता हूँ, लीजिए मैं यहाँ ले गया, ठीक है। अब मैं एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। इस एंट्री को बनाने से पहले मैं गलत को थोड़ी देर के लिए अलग करता हूँ ताकि आपका फोकस सही की ओर रहे। मैंने अलग कर दिया। अब जो सही शब्द है वो है परचेज गुड्स 500 फ्रॉम राम। अब इसमें दो शब्द नजर आ रहे होंगे आपको, एक परचेज और एक राम। तो इसमें हमने सही किसको करना है, परचेज को। परचेज आपने हमेशा डेबिट किया हुआ है तो ठीक करने के लिए भी आपने उसे क्या करना है, डेबिट करना है। तो हम परचेज को क्या करेंगे, डेबिट। अब यहां पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि मैंने परचेज को तो ठीक कर दिया, वाई नॉट राम। उसका भी एक कारण है, क्या कारण है, मैं गलत को वापस बुलाता हूँ, गलत ट्रांजेक्शन को वापस बुलाता हूँ। ये आगे डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। गौर करिएगा, गलती हुई है हमसे डेबिट फर्नीचर, यानी सही चीज में से हम क्या करना भूल गए थे, डेबिट को भूल गए थे, यानी गड़बड़ है परचेज और फर्नीचर में। मैंने फर्नीचर यूज किया परचेज की जगह, तो इसका मतलब मैंने करेक्ट परचेज को करना था। इससे मुझे पता चलता है कि करेक्शन किस चीज की होनी है ट्रांजेक्शन में से। उम्मीद आप भी समझेंगे। देखिए बच्चे, जो चीज उन्होंने लिखी है बाद में गलत चीज, वो ही रिप्लेसमेंट है सही चीज की। सही स्टेटमेंट में परचेज डेबिट होना था, है ना, तो परचेज की जगह उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, फर्नीचर को। बस यही अंतर होता है ट्रांजेक्शन को एनालाइज करने में। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए सही स्टेटमेंट को अलग करेंगे, हमने किया डेबिटेड टू फर्नीचर है, अब तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। चलिए डेबिट का उलट क्या होगा, क्रेडिट। इसी तरह से करेक्शन हम करते रहते हैं। अब पूरी स्टेटमेंट आपके सामने है, परचेज ऑफ गुड्स 500 फ्रॉम राम हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। परचेज डेबिट होना था, हमने किया, सही को सही करना था, और गलत था डेबिट। गलत ठीक होता है रिवर्स होके, डेबिट का रिवर्सल आप जानते हैं क्रेडिट होगा। चलिए आपके सामने एक और स्टेटमेंट है, गौर से देखिएगा। ₹1300 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल वन ऑफ द पार्टनर हैड बीन चार्ज टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। तो पहला पार्ट सही है, दूसरा पार्ट गलत है। कलर डिफ्रेंसिएशन हमने दिया हुआ है, गलत पार्ट को अलग कर देते हैं, थोड़ी दूरी पे करते हैं। देखिए हमने कर दिया, अब एंट्री बनाने की हम कोशिश करेंगे। एंट्री बनाने से पहले काम करते हैं, गलत को थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हटाते हैं। लीजिए हमने स्क्रीन से हटा दिया, अब क्या रह गया सामने, 1300 पेड फॉर द मोटरसाइकिल फॉर वन ऑफ द पार्टनर। देखिए मोटरसाइकिल आपने पार्टनर के लिए खरीदा है, यानी मोटरसाइकिल बिजनेस में नहीं आया, वो पार्टनर के पास गया, तो इसलिए डेबिट ओनर ने होना है। पार्टनर इज वन ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर ओनर के लिए कुछ भी खरीदेंगे तो बिजनेस क्या रूल लगाता है, डेबिट द रिसीवर। ओनर अगर रिसीवर है तो डेबिट किसे करेंगे, ड्रॉइंग। सही को सही करना है, यानी डेबिट को डेबिट करना है, मतलब किसे डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग्स को। उम्मीद है ये ट्रांजेक्शन आपने समझ ली होगी, डेबिट किसने होना था, ड्रॉइंग ने। अब हम क्या करेंगे, गलत ट्रांजेक्शन को स्क्रीन पर लेके आएंगे आपके और बेहतरी समझने के लिए। अब ये चार्ज टू जनरल एक्सपेंस है, ये गलत है। गलत को ठीक करने से पहले काम करते हैं, पहले ठीक को स्क्रीन से बाहर करते हैं। लीजिए हमने कर दिया, अब गलत सामने रह गया जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस डेबिट हुआ था गलती से, ठीक कैसे करोगे, क्रेडिट करके। लीजिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट। अब पूरी ट्रांजेक्शन स्क्रीन पे आपके सामने, डेबिट ड्राइंग ने होना था, जनरल एक्सपेंस बाय मिस्टेक डेबिट था, रिवर्स क्या करेंगे, क्रेडिट। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। और आज की आखिरी स्टेटमेंट बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है, बिल्कुल आप सबकी तरह, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या स्क्रीन पे, असमर ₹1200 पे टू सिस्को, सिस्को यू नो, रॉन्गली डेबिटेड टू टिस्को। बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है, सिस्को टिस्को, है जी। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, सेम वही टेक्निक, सही गलत की पहचान, कलर डिफ्रेंसिएशन हमने दिया हुआ है। अब भी हमेशा यही किया करें, सही गलत की पहचान किया करें। कैसे, फर्स्ट पार्ट सही, दूसरा पार्ट गलत। गलत को दूर करो, गलत को दूर करो, जैसे मैंने किया। अब एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, अब क्या करेंगे हम, गलत को स्क्रीन से गैप करेंगे। लीजिए मैंने किया, किया ना, सामने क्या रह गया, समर ₹1200 पे टू सिस्को। सिस्को को मैंने पेमेंट किया, सिस्को मेरा क्या हुआ, रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, डेबिट। तो रूल क्या होता है, सही को सही करना है, डेबिट को डेबिट करना है। तो सिस्को को क्या करेंगे हम, डेबिट। देखिए हमने किया, हाँ या ना, तो सही को सही करना है, डेबिट को डेबिट करना है। सिस्को को हमने क्या किया, डेबिट किया। अब हम वापस क्या करेंगे, गलत को बार बुलाएंगे, गलत वापस आ गया।
गलत वापस आ गया, सही को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, दीजिए हमने हटा दिया, अब सामने क्या रह गया, रॉन्गली डेबिटेड टू डिस्को, रॉन्गली डेबिट। तो रूल क्या था, गलत को ठीक करना है, डेबिट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। देखिए हमने क्या किया, क्रेडिट हो गया। तो क्या एंट्री बनी आपकी, सिस्को डेबिटेड टू डिस्को। तो ये पूरी स्क्रीन पे आपकी स्टेटमेंट है, तो हमने सही को सही किया, गलत को ठीक किया। तो यही मैजिक रूल्स हैं। चलिए अंत के अंदर सिर्फ दो चार बातें, उम्मीद रखता हूँ कि मेरा यह प्रयास बहुत अच्छा आपको लगा होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा। आप बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, कई बार क्या होता है सीखने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, कोई एबसेंट हो गया, कोई क्लास में ध्यान नहीं दे पाया, तो टीचर से बार बार पूछने में खुद को अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने सिखाया हम नहीं सीख पाए कुछ इस तरह से। तो ये जो टेक्नोलॉजी का हमने लिया सहारा, अब ये आप सबको लगेगा प्यारा। उम्मीद रखता हूँ कि मेरा ये प्रयास आज का आपको पसंद आया होगा। मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा। हमने वीडियोस को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा हुआ है, मैंने पहला वीडियो भी एरर्स पे डाला हुआ है, वो एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेके आपके सामने डिस्कस करेंगे। आज हमने टू साइडेड एरर्स को डिस्कस किया, बहुत जल्द आपके सामने वन साइडेड एरर्स को लेके आएंगे, जिसमें सस्पेंस अकाउंट की पूरी टेक्निक आपसे शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप और लोगों से शेयर करिएगा। हमारे चैनल का नाम है कॉमर्स ऑन इंडिया, आप उसे सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाने की कोशिश करिएगा बहुत जल्द, ताकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक क्या पहुँचता रहेगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा, जिससे आप तुरंत उसी दिन उस चीज़ को समझ पाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ वन साइडेड एरर बहुत जल्द आपके सामने पेश करूँगा, बहुत जल्द। याद रखें, कोई भी नहीं है प्रॉब्लम। आएंगे कुलविंदर सर के वीडियो दनादन, दनादन आएंगे दनादन, नहीं बचेगी कोई प्रॉब्लम, वीडियो आएंगे दनादन। उम्मीद रखता हूँ फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद, आप सभी को आने वाले साल की शुभकामनाएं।